भाई हमारे को टायर का इतना टेंशन लग गया था भाई, टायर फूटा है तो फूटा कौन सा भाई यार, जैसे रोड खाली दिखा फटाफट गाड़ी रोक के पहले टायर देख। तो ये जो राजस्थान इंडस्ट्री लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हमारी गाड़ी खाली होगी। तो मैं जा रहा हूँ अब जो हमारी वो टाटा की गाड़ी है ना उसके पास, उनके टायर वगैरह खुलाते हैं, थोड़े हेल्प करवाते हैं। तो हमारी गाड़ी का जैसे नंबर आएगा तो भाई वो भी हेल्प करवा देंगे, तो हमारी काम में आसानी हो जाएगी भाई। अलग अलग मशीन कर दी टायर, मजे यार आपकी हेल्प करने के लिए आया था यार। हेलो गाइस, करना भाई बहुत मेहनत करता है रात दिन वीडियो बनाने के लिए, एक दिन तो फल मिलेगा ही ना मेहनत का। तो अब हमारी तरफ से गाड़ी बिल्कुल फ्री है, मतलब टायलूर वगैरह सब खोल पाकिस्तान आ जाता है। हाँ, वो आज पाकिस्तान में सब ये हुआ है। तो गाइस जो यहाँ पे लाइन खींची हुई है ना, उड़ा रहे लाइन की मजाक उड़ा रहे कि भाई लाइन के आगे सीमा पाकिस्तान और इंग्लैंड किया जा रही है। भाई फाइनली में राजस्थान के लोग मजे ले रहे हैं, देख लो। आज मैं अंदर जा सकता है आपको भाई, अंदर आ गए भाई, आवाज देखो मेरी कैसी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं। तो गाइस हम थोड़ी देर पहले तो गाड़ी के अंदर ही सो रहे थे, तो हमारे को डायरेक्ट पार्टी वालों ने आके उठाया। हम जैसे इस होटल पे सोते हैं ना, तो ये जो पचपतरा की रिफाइनरी है ना, इस रिफाइनरी में जो हमारी गाड़ियां अलग अलग ठेकेदार के पास माल लेके जाती है, तो अलग अलग ठेकेदार हमारे को आके वो सुबह सुबह जगा देते। होटल वालों को हम नहीं बोलते भाई हमारे को जगाना, मतलब पार्टी वाले ऑटोमेटिक आके जगा देते। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब फिर वीडियो को लाइक। तो चलो गाइस आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला, वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। तो एक गाड़ी तो उधर खड़ा है और तीन गाड़ी इधर खड़ा है और दो गाड़ी, मतलब कुल छह गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे पूरी रात में। और यहाँ पे बसें खड़ी थी भाई, मतलब बसों की लाइन लग गई थी। देखो अभी भी बस आने वाली है, इनके लिए ये भी इंतजार कर रहे हैं। और हम जैसे पिछली बार गाड़ी लेके आए थे तो हमारा कांटा इस साइड में हुआ था, अब की बार इस साइड में नहीं होगा, अब की बार अलग होगा कांटा। इस साइड में जो ये पीछे प्लांट है ना, वो प्लांट इस प्लांट के अंदर जाएगी गाड़ी, जो प्लांट का कांटा है उस कांटे से गाड़ियां कांटे हो गए फिर आएगी बात। तो गाइज यहां पे कांटे करवाने जितनी भी गाड़ियां आती है सबकी एंट्री होती है भाई। अंदर देखो इधर बैठे एंट्री कर रहे हैं, गाड़ी का नंबर देख रहे हैं, डायरेक्ट खुद ही लिख रहे हैं, ड्राइवर को नहीं परेशान कर रहे भाई, ये काम तो अच्छा है। तो गाइज आज तो मेरी गाड़ी का सुबह सुबह पीछे पीछे नंबर आया, तीन नंबर पे गाड़ी खाली होगी भाई, सबसे पीछे पीछे हमारी गाड़ी खाली होगी, सबसे पहले वो हो जाएगी भाई, आगे हो गई ना दो नंबर पे ये हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे कांटे पे नंबर आएगा वैसे वैसे गाड़ियां वहां पे खाली होगी। तो सामने चल रहा है लोडर, जेसीबी कंपनी का है भाई, नया मॉडल है बड़ा वाला, देखो खुद ही लाके यहाँ पे गिट्टी डाल दिया और खुद ही बिछा रहा है भाई। इसका वॉकिट है भाई बहुत ही बड़ा, मतलब ट्राली में एक वॉकिट पड़ जाए तो ट्राली एक बार में ही भर जाए भाई। हमारे टेलर को भी ऐसे पीछे से उठा लेगा भाई, बहुत हाई पावर वाला है भाई, मतलब वहाँ पर पहले गिट्टी डाली थी और उस गिट्टी को कर रहा सिमतल। तो भाई सामने वाली गाड़ी का तो आ गया नंबर, मेरी गाड़ी खड़ी है इधर, पहले खड़ी थी पीछे, यहाँ ला के खड़ा कर दिया। ऐसे ही गाइस हमारी गाड़ी का नंबर आया, पहले बोला इन्हें कांटा को धोएंगे भाई, पहले कांटा को धोया है। ये गाड़ी लेके आए थे भाई, इसका मतलब इंजन अलग से चलता है और गाड़ी अलग से चलती है, मतलब गाड़ी को आगे चलाना है ना तो गाड़ी को अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये पीछे वाला ये है ना जो इसको घुमाने के लिए इंजन है पीछे लगा हुआ, इस इंजन से घूमता है। चलने दो चलने दो। तो गाइस अब लगेगी हमारी गाड़ी कांटे पे, सीधा सीधा लगाना, चलने दो चलने दो। गाइस गाड़ी कांटे पे लग गई, अब देखने वाले हम वजन कितना है, 57,580 आया भाई वजन। तो हम जैसे ही नजदीक गए गेट ओपन कर दिया, और हम जैसे बाहर निकलेंगे तो फिर से गेट बंद करना पड़ेगा भाई इनको। भाई ये इनकी ड्यूटी है केवल यहाँ पे गाड़ी का नंबर लिखना और गेट को बंद करना चालू करना। तो हमारे गाड़ी खाली करवाने वाले आ रहे हैं पीछे पीछे। भाई जो यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी थी इनके फील्ड में लगा दिया, मतलब इनके लाइन में लगा दिया। तो आज हमारी गाड़ी मतलब जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी का ये माल तो रिफाइनरी के अंदर नहीं जाएगी भाई, ये काम तो बहुत अच्छा हुआ, दूसरी रोड पे जाएगी मतलब रिफाइनरी के अंदर नहीं जाएगी, ये काम तो बहुत ही अच्छा हुआ, मजा आ गया भाई। रिफाइनरी के अंदर हमारे को रास्ता ही नहीं मिलता, तो भाई अब रास्ता पूरा गोडाउन में जाएगी, उनका ही गोडाउन है भाई। कल शाम को इस साइड से आए थे और अभी हम इस साइड वापिस जा रहे हैं गाड़ियाँ लेके, मतलब इस साइड में जो बालोतरा वाला रास्ता बताया ना मैंने, वो ब्रिज के नीचे से उस रास्ते से हमारी गाड़ियां जाएगी। दो गाड़ियां आगे, मेरी गाड़ी भाई पीछे पीछे, आज ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी का लास्ट में नंबर आएगा भाई। अब भाई हमारे को इस साइड में जाना पड़ेगा, इस बोर्ड पे कुछ पता ही नहीं लग रहा है, अमृतसर जोधपुर बीकानेर। तो गाइस अभी रास्ते में गाड़ी चल रही थी, चलते चलते मेरी गाड़ी का टायर फूट गया। कौन सा टायर फूटा है? वो जो 3XL का टायर है वो टायर फूट गया, अंदर वाला टायर फूटा भाई। देखो अभी गाड़ी चल रही थी, चलते चलते में ये टायर फूट गया, अभी फूटा भाई।
पीछे एकदम सिटी के अंदर फूटा था, पचपतरा है ना, पचपतरा के जैसे हम सर्किल से घूमते अचानक ऐसे बोला गम। वहाँ पे दुकाने वाले देखने लगे भाई, एकदम मिट्टी मिट्टी उठ गए भाई, एकदम हवा है ना इसके अंदर से, एकदम हवा निकली तो मिट्टी मिट्टी उड़ने लगे भाई। भाई हमारे को टायर का इतना टेंशन लग गया था भाई, टायर फूटा है तो फूटा कौन सा भाई यार, जैसे रोड खाली थी फटाफट गाड़ी रोक के पहले टायर देखे भाई यार, टायर फूटा तो कौन सा, आगे देखा भाई 3XL का टायर फूटा हुआ था भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं 3XL के टायर। तो ये जो राजस्थान इंडस्ट्री लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हमारी गाड़ी खाली होगी, अंदर चलना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ खाली करने का जुगाड़ दिख रहा नहीं है, रोड जा रहा है, रोड आगे चलना पड़ेगा। ये तो गेट था, मतलब मेन गेट था, और जो रिफाइनरी का गेट है ना भाई, यहाँ से शॉर्टकट जाए ना, ज्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर है भाई। यहाँ पे होगी हमारी गाड़ी खाली, देखो भाई इस साइड में होगी, देखो यहाँ पे इंगले पड़ी है, जैसे हम गडरे लेके आए ना भाई, गडरे पड़े हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पाइप भी पड़े। गाइस जो हमारे साथ थी ना वो टाटा वाली गाड़ी, वो तो वहाँ पे आगे खाली होने के लिए चली गई, और जो हमारी दोनों ये लीलैंड की गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी तो पीछे खड़ी है फिर वो आगे खड़ी है भाई, हमारा तो नंबर ही नहीं है, डायरेक्ट टाटा का आ गया भाई, क्या भाई अलग अलग नहीं है मैं भाई यहाँ। तो मैं जा रहा हूँ अब जो हमारी वो टाटा की गाड़ी है ना उसके पास, उनकी टायर वगैरह खुलाते हैं, थोड़ी हेल्प करवाते हैं, तो हमारी गाड़ी का जैसे नंबर आएगा तो भाई वो भी हेल्प करवा देंगे, तो हमारी काम में आसानी हो जाएगी भाई। तो गाइस मैं तो यहाँ पे आया था इनकी हेल्प करने के लिए, इनने तो पहले से ही खोल के रख दिया भाई, अलग अलग मशीन कर दी टायर, मैं तो यार आपकी हेल्प करने के लिए आया था यार। हेलो गाइस, बहुत मेहनत करता है रात दिन वीडियो बनाने के लिए, एक दिन तो फल मिलेगा ही ना मेहनत का। तो चलो भाई आपकी चेन में रखवा देते हैं, तो आप भी तो रखवाओगे ना फिर से हमारे को, हमारी गाड़ी खाली होगी, हेल्प करवाओगे या नहीं? हेल्प तो करेंगे ना यार, तू मेरी करा रहा, मैं तेरी नहीं करूंगा। चलो भाई करवाता हूँ, पकड़ाते हैं, चलो। ये भाई चेन को यहाँ पटक दिया, अब नीचे। हाँ तो हाथ ही दबाया हाथ, हाँ वैसे हाथ से हाथ दबने वाला है ये, मारवाड़ी काउत बोल रहे, थोड़ा हिंदी में बोलो। हिंदी नहीं आती है, कोई बात नहीं, मेरे समझ में आ रहा है, मैं ऑडियंस को हिंदी में बता दूंगा। चलो अब पहले यहाँ पे नीचे टूल है, टूल में जमा देते हैं सारा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मशीन को हम टाइट क्यों करते हैं, मतलब पहले ये गाड़ी के ऊपर लगा के रखते हैं ना, तो इसको मतलब यहाँ से ये जो कसने वाला है यहाँ पे रहता है, तो ये मतलब गाड़ी के कसी हुई रहती है, ये जितनी यहाँ से फैलेगी ना उतना ही वहाँ पे टाइल टाइट होगा। तो हम फिर से इसको नीचे उतार के खाली मशीन को क्यों कसते हैं, खाली मशीन को इसलिए कसते हैं इधर और उधर ये गिरेगी कैसे भी होगी ना, तो इसकी ये जो चूड़ी है ना, ये चूड़ी नहीं खराब होगी कभी भी, क्योंकि ये जो चीज है ना ये आ गई, अब ये इसको मतलब कैसे पटको इसकी चूड़ी नहीं खराब होगी भाई, इसलिए इसको हम टाइट करके रखते हैं। इसकी डिसर्कल कहाँ है? खो गई रस्ते में खो गई भाई डिसर्कल। तो अब हमारी तरफ से गाड़ी बिल्कुल फ्री है, मतलब टाइलूर वगैरह सब खोल के साइड में कर दिया, अब सब निर्भर इन पे ही है। अब भाई इनको ये सब खाली वाले करना, पट्टे वट्टे लेके आ रहे हैं। तो ये गडरे देखो भाई कितने इनकी लंबाई है, करीबन इनकी 1.5 फीट से ज्यादा है भाई, 2 फीट तो नहीं और 1.5 फीट से भी ज्यादा भाई। जितना भी माल आ रहा ये सब रायपुर रायगढ़ से आ रहा भाई। कितना बगा रहा था गाड़ी को, इसीलिए कि मेरा पहले खाली गया, लेकिन ये नहीं जानते मैं यहाँ बैठा नहीं कर सकते ना लाइन के पास, अरे लाइन के पास नहीं जा सकते, लाइन के आगे नहीं जा सकते, आगे पाकिस्तान आ जाता है, इंग्लैंड आ जाए पाकिस्तान में हिस्सा लिया हुआ है। तो गाइस जो यहाँ पे लाइन खींची हुई है ना, डारे लाइन की मजाक उड़ा रहे कि भाई लाइन के आगे सीमा पाकिस्तान और इंग्लैंड क्या जा रही है भाई, फाइनली में राजस्थान के लोग मजे ले रहे हैं, देख लो। चैनल ले जाना है 10 वहाँ चैनल बस करो, बुढ़ाओ पीछे थोड़ा रखो, थोड़ा सा गाड़ी से पीछे रखो, रखो दो दो लकड़ा लगाओ, दो दो लकड़े का माल है, हाँ ये जहाँ भैया थोड़ा सा उधर सरका लो, अरे भैया गाड़ी के टायरों के पास जगह तो रहेगी ना कम से कम, टायर नहीं फट जाएगा भाई, इधर पाजी चला रहे करें। गाइस हकीकत में है ना रोज रोज गाड़ी ये चलाते हैं, आज इनको बोला ब्रेक देना भाई, देखते ब्रेक लगती है यार, वो है ना उनने बोला भाई कि गाड़ी ब्रेक दो, स्टार्ट करो पहले न्यूट्रल में, ऐसे नहीं आप आगे लेके चले जाओ, सीधा सीधा देना देख ले, अरे तू रहने दे, तू मत बता किधर काटने, फाइनली में एंड हो रहा है कि नहीं छोड़ा ये
धीरे 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 धीरे। तो पीछे बेल्ट लगाना कर दिया स्टार्ट और पाजी लेके आ रहे हैं उधर से करें भाई। करें के टायर देखो भाई, आगे दो दो टायर लगे हुए, पीछे सिंगल टायर है भाई। हटो यहाँ से, ये जो सीमा है सीमा पे रखने वाले भाई, एकदम बॉर्डर पे रखना। डैश भाई बिल्कुल से जो करेन है ना, ये 21-22 मॉडल है, पाजी चला रहे भाई। ये जो इसके ये पांच लीवर है ना, ये पांच लीवर पीछे भी लगते हैं और आगे भी लगते हैं, मतलब ये पांच लीवर 10 जगह काम करते हैं। और इधर देखो स्विच स्विच लगा रखे, और ये एक हॉर्न बजाने का बटन वहाँ पे दबा के पूछा तो भाई क्रेन कैसे लगाना, साइड में तो उनने बोला भाई सीधा लगा दो। अब चलो हम भी थोड़ा सा दूर होते हैं, पता नहीं बेल्ट वेल्ट कब टूट जाए। पाजी ने बोला था भाई थोड़ा सा वीडियो बना रहे हो बना लो, कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा दूर है ना बेल्ट है, पता नहीं लगता कब टूट जाए। और देखो इधर और उधर दो रस्से भी बांध रखी है, मतलब माल इधर से उधर हिले ना इसलिए। ये देखो भाई बूम कितना ऊपर है भाई, बूम बहुत ऊपर चला गया। यहाँ से रस्सी पकड़ लिया, उधर से भी रस्सी पकड़ लेंगे, धीरे धीरे लेंगे क्रेन को पीछे। ये बोल रहे रोको रोको दो मिनट मेरे को नीचे उतरने, भाई आराम से उतर जाओ कोई बात नहीं है, दो चार मिनट 10 मिनट ज्यादा लग जाएगी। तो भैया पाजी ने ये बोला है कि मैं जैसे ही क्रेन से इस माल को ऊपर करूँ ना तो ड्राइवर को बोल देना गड्डी आगे पीछे होगी, मतलब गाड़ी को आगे पीछे करना है भाई। पंजाब की वैसे भाषा थोड़ा बहुत तो आती है, ज्यादा पंजाबी तो नहीं आती है भाई। भाई यहाँ पे देखो बेल्ट के नीचे कट्टा भी लगाया, मतलब बेल्ट कटे ना, इसके मतलब क्या लोहे के वो कोर होती है ना, कोर से पट्टा कट जाता है। तो जैसे अभी पट्टा कट गया तो ये माल दम नीचे गिरेगा, या तो किसी के लग जाएगी या नुकसान हो जाएगा। ये बोल रहे रस्सी को टाइट पकड़ना। यहाँ पे देखो दो सिलेंडर लगा रखे हैं, मतलब ये जो पीछे से करेन है ना ये तो अलग है, और जैसे अभी गाड़ी इधर कट रही है ना क्रेन, तो ये देखो सिलेंडर बाहर निकल रहा है, और जैसे स्टेरिंग को उधर काटेंगे ना तो उधर वाला सिलेंडर बाहर निकलेगा। भाई नया मॉडल है भाई, 22 मॉडल में देखो, 21 है या 22 है पाजी बोल रहे हैं भाई देखो। तो गाइस इधर पतोला वतोला घी के डब्बे सब निकाले थे, तो इनने बोला गाड़ी आगे लो, तो गाड़ी आगे ले रहे हैं भाई। तो भाई मैगी बनाना कर दिया स्टार्ट, डायरेक्ट पानी डाल रहे हैं, तेल वेल कुछ नहीं डाल रहे हैं भाई। प्याज और मिर्ची और टमाटर वो है ना वो नहीं डालेंगे भाई, लहसुन वसन कुछ भी, डायरेक्ट मैगी बनाएंगे भाई हल्दी डाल के। भाई अच्छा लगता है वो प्याज वाली, अच्छी नहीं लगती है मैगी। हल्दी डाल, हल्दी हाँ हल्दी यही है यही है, हाँ ज्यादा मत डालना, थोड़ा सा डाल, थोड़ा सा वो डाल तो वैसे कलर तो आएगा ना। हमारे पास चार पैकेट है, चार पैकेट में चार पैकेट निकलेंगे ये छोटे छोटे, ये लो धीरे धीरे डाल दे, जल्दीबाजी मत कर, बहुत टाइम है हमारे पास, अभी पानी भी गर्म होएगा फुल। तो गाइस पानी उबल गया, अब डाल रहे हैं मैगी, हल्का हल्का तोड़ दो, ज्यादा मत तोड़ दो, ज्यादा भाई फिर कचरे का क्या खाए, कम से कम थोड़ा बड़ी बड़ी खाए ना मैगी, मजा आए भाई। डाल दो फटाफट, सब साथ में उबलना चाहिए, एक पीस के चार भाग। तो गाइस हमारी मैगी बन के रेडी हो गई, शानदार लग रही भाई, खुशबू बहुत शानदार आ रही है। हमारे जो साथ वाले उनको बोल दिया भाई जल्दी आ जाओ नहीं वरना हम दो आदमी दोनों मैगी खा जाएंगे भाई। चलते हैं नीचे खाते हैं मैगी, साथ वाले आ गए बटा बटा बढ़िया। अरे नीचे का डोल रहे यार सेठ, वो फालतू तो मन गाल दो बना खा लेता है, अनजाने नहीं पड़ता तो कह दिया नमकीन के लाम डोल गई मैगी। जो हमारी जो पहले गाड़ी खाली हो रही थी उसको तो आगे लेके आ गए, इसमें तो एक दो लट्ठे उतारे बड़े बड़े, और जो वो गाड़ी है ना अशोक लीलैंड वाली वो खाली हो रही है भाई। पहले तो मैं इधर आया था पाइपों के पास, तो इन पाइपों में जैसे मैं बाहर से देख रहा हूं तो उतने बड़े नहीं दिखाई दे रहे। मैंने एक बार इनके अंदर झांका भाई, हकीकत में ऐसा लग रहा है 1-2 किलोमीटर लंबा, देखो कितना लंबा लग रहा है, और मेरी आवाज है ना वो भी गूंज रही है इसके अंदर, बहुत बड़े है। वैसे आदमी अंदर जा सकता है, आपका भाई अंदर आ गया भाई, आवाज देखो मेरी कैसे गूंज, आवाज गूंजने लग गई भाई। तो भाई ये गाड़ी तो ये जो हमारे सुबह सुबह साथ में गाड़ी आई थी लीलैंड वाली, ये तो खाली हो गई, अब जा रहे खाना वाना खाने के लिए। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो पसंद आएगा। तो गाइस पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय। Oh, 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 oh